त्रिपाठी जी इस गिरोह के सरगना है, जो आपके जो जिला सीओ हैं उनको तो सर मानी चाहिए इस बात के लिए। विवश में मुझे कुछ करना पड़ता है जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। संदीप द्विवेदी वही गुंडा है जिसने सीओ की आंख फोड़ी थी। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शुभम तिवारी। खबर रीवा जिले से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमार बहादुर सिंह ने पिपरा सरपंच और आप पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के साथ पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाए। कुमार बहादुर सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचारियों के सरगना केपी त्रिपाठी हैं। दरअसल गत दिवस पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पिपरा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने पंचायत सचिव संदीप द्विवेदी पर 50 लाख रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के सामने जाकर आत्मदाह करने की घोषणा की है। महिला सरपंच के पति और कांग्रेस नेता कुमार बहादुर सिंह, आप पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा किया है। दोनों नेताओं ने सेमरिया के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सचिव संदीप द्विवेदी पूर्व जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के ऊपर हमला करने का आरोपी है, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। लेकिन ऐसे अपराधी और भ्रष्टाचारियों को पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी का संरक्षण है। जब पत्रकारों ने कहा कि अब तो केपी त्रिपाठी विधायक नहीं है, तो नेताओं ने कहा कि सरकार भाजपा की है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम अभी भी चल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता में किस तरह से नेताओं ने महिला पदाधिकारी की जिले में तैनाती के बावजूद एक महिला सरपंच को आत्मदाह जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर होने पर सवाल खड़ा किया है। पहले तो आप सभी पत्रकार जो यहाँ बंधु पहुंचे हुए हैं, आप सभी का जो है इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। ये सेमरिया विधानसभा का एक मामला है और पूरे रीवा जिले के पंचायती राज में किस प्रकार से लोग है, जो पंचायत जो हरियाणा आदिवासी जो लोग हैं उनके प्रति जो है किस प्रकार का रवैया यहाँ पर जिला पंचायत के द्वारा है, उसके माध्यम को लेकर हम लोग जो है प्रेस वार्ता में आज हमारे साथ में जिन्होंने इस मामले को वो किया है कुंवर सिंह जी जो है वो जो है इस मामले को जो आप लोग के बीच में ब्रीफ करेंगे कि किस प्रकार का क्या मामला है। का मामला है, पिछले 20 माह पहले ये अरुण कुमारी रावत जी सरपंच नियुक्त हुई थी, जनता ने इनको निर्वाचित किया। 20 माह में इन्होंने कम से कम 25 से 30 आवेदन दिए, ग्राम सभा के प्रस्ताव दिए, राज्यपाल से लेकर सीओ तक की इन्होंने गुहार लगाई पर कोई सुनवाई नहीं। मामला ये है कि पिछले 10-12 वर्षों से सचिव संदीप द्विवेदी जी वहीं हैं और करीब 50 से 60 लाख रुपए का उन्होंने पैसा निकाला है 10-12 वर्षों में, काम बिल्कुल नहीं किया है। जिसकी शिकायत सरपंच द्वारा लोकायुक्त, कमिश्नर, कलेक्टर, सीओ, गवर्नर, मुख्यमंत्री, ऐसा कोई मध्य प्रदेश के अंदर प्रशासनिक अमला नहीं बचा होगा जिसकी शिकायत इन्होंने नहीं की। और जब 50 लाख रुपए का घोटाला सचिव कर रखा है और उस सचिव के साथ काम करेंगे तो यदि कोयले की कोठरी में जाइएगा तो कोयला तो लगेगा, कालिक लगेगी। इससे बचने के लिए हमारी जो बहन है वो अरुण कुमारी रावत जी ने सब जगह गुहार लगाई कि इस सचिव को तत्काल हटाया जाए। जब उन्होंने आवेदन देना शुरू किया तो सचिव ने इनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया, कहीं से दबाव बनाना। बाद में जब ये नहीं माने तो गाली गलौच हुई जिसकी इन्होंने रिपोर्ट की, बाद में उससे भी बात नहीं बनी तो उसने इनके ऊपर कुछ ऐसी असामाजिक गालियां दी, ऐसे बातें बोली जिससे ये क्षोभित होकर फिर से शिकायत की। जब शिकायत की तो उसका एक बार स्थानांतरण हो गया। रसूख वाला व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने 50 लाख रुपए बिना काम के निकाले होंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर से सीओ ने उनका आर्डर कर दिया। इन्होंने फिर दबाव बनाया, फिर उसका ट्रांसफर हुआ और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फायदा उठाकर फिर वो आ गए। आखिरकार जब ये अधिकारी और इनकी बात सुनने से मना कर दिया तो इन्होंने फैसला किया कि आगामी 7 मार्च को मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के निवास के सामने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेंगी। और ये मामला जब आप सबके माध्यम से और मध्य प्रदेश स्तर पर उठा तो लोगों को ऐसा लगा
कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने देश की राष्ट्रपति का परिचय कराया था कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, पर संसद भवन का उद्घाटन उस महामहिम राष्ट्रपति जी से नहीं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने सीधी में आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब किया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो नंगा करके बैतूल में आदिवासी भाई को पीटने का काम कर रहे हैं। और इसी तरह आज जो द्वापर युग का जो हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, वही हमारी बहन के साथ ये करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम होने नहीं देंगे। हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि यदि भारत के संविधान के द्वारा हमारी आदिवासी बहनें राजनीति और सियासत पर अपना स्थान बना रही हैं, तो उनको इस स्थान बनाने में ये प्रशासनिक अधिकारी रोक क्यों रहे हैं, ये मामला है। आज एक आदिवासी महिला यदि आत्मदाह पूरे परिवार के साथ करने का प्रण कर लिया और करेगी, यदि ये प्रशासनिक अमला नहीं जागा, तो भारत में संविधान बचा कहाँ है। देखिए, जब ये सरपंच चुनी गई थी अरुण कुमारी जी, तो वहाँ उस समय भारतीय जनता पार्टी के एमएलए केपी त्रिपाठी जी थे, उन्हीं का पूरा संरक्षण प्राप्त है संदीप द्विवेदी जी का। और आपको पता है, जग जाहिर है कि केपी त्रिपाठी जी जब विधायक थे तो शराब के लिए मारपीट केपी त्रिपाठी करें, सीओ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको गाली गलौज केपी त्रिपाठी करें। केपी त्रिपाठी जी इस गिरोह के सरगना हैं और उनके ही संरक्षण में अभी भी, भले ही वो विधायक नहीं है पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, पूरी तरह से केपी त्रिपाठी जी और उनके लोग आदिवासी भाई बहन, दलित भाई बहन, पिछड़े भाई बहन जहां सरपंच है, यहां तक कि सामान्य वर्ग के कमजोर लोग जहां हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से उन्हें परेशान करने में लगे हुए। देखिए, कांग्रेस विधायक को इस मामले में धन्यवाद दूंगा भाई मिश्रा जी को, जिन्होंने विधानसभा के अंदर पूरे शिद्दत के साथ इस भारतीय जनता पार्टी को ललकारा है कि इस भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता और पूर्व विधायकों द्वारा जो लूट खसोट मारपीट अधिकारियों के साथ जो कर्म किए गए, उसको उन्होंने दिलेरी के साथ विधानसभा में उठाया। और इन संदीप द्विवेदी की जिनकी बात हो रही है, उस संदीप द्विवेदी की तो नियुक्ति के मामले में भी हमारे कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा जी ने विधानसभा में उठाया है, पर पंचायत मंत्री द्वारा गोलमोल जवाब दिया जाना इसका द्योतक है कि सरकार और अधिकारी मिलकर साठगांठ से लूट खसोट में शामिल है। हमारे सरपंच का कुछ अधिकार होता, कुछ देव जो बचा है, तो बोला कि सरपंच का कोई हक नहीं है, सरपंच का हक कोई नहीं है, हम जो करेंगे वही होगा। तो फिर हम कहा कि सरपंच का कुछ होता है तो बस कुछ नहीं होगा। फिर हम कहें कि वो जो जमीन है कैसे को सरपंच तुम नाम कराओगी, सरपंच नाम कराओगी, बाकी हम रहेंगे। और मैं सरपंच सेक्रेटरी नहीं, गुंडा भी हूँ, जो तुम चाहो कि हम सरपंच ही चला लेंगे तो नहीं चलेगी, आप इसके अंदर पंचायत भवन के तुम नहीं रहोगी। तो मैं कहा कि सरपंच ऐसा, सरपंच सरकार जब बनाई थी तो कुछ अधिकार तो सरपंच का होता है, तो कल इसकी नाम का रही, अब बाकी तूफाना रही, तो हम कहा हमें फिर दूसरा सेक्रेटरी चाहिए। हमारे एक गांव वाली 200 मीटर एक जग्गी का पैसा निकल चुका है आरसीसी का, 150 मीटर हमारे द्वारे सरपंच के द्वारे से निकल चुका, चेत राम के घर से राम मलेश के घर तक पैसा फ्री में निकाली थी। सेवादीमा 200 मीटर तिवरियाने मेन रोड से राम लखन के घर तक 100 मीटर का पैसा निकाल के पैसा निकालते गए, लेकिन आपके काम नहीं किए, सरपंच से कोई स्वीकृति नहीं है ना उनको स्वागत करते नहीं। तो ये जब गांव में ग्राम सभाएं होती हैं, इस दौरान जनता के साथ है, क्या वो बोलती है कुछ उनको? उनको बोलती तो कहते हैं कि ग्राम सभा गाले डराते, गांवों वाले डराते उसको सेक्रेटरी का। इसका संरक्षण है सेक्रेटरी जी, इसका संरक्षण है सेक्रेटरी, सरकार कर रहा है, सरकार का कोई लोकल नेता तो नहीं है? नहीं नहीं, तो सरकार का आप यहाँ बैठे हैं, आपकी पत्नी वहाँ गई है, आप उदाह करने तो जी,
क्या क्या चाहते कि आपको भी जाना चाहिए था शायद वहाँ उनके पास जाएंगे साथ में जाएंगे दो तीन आदमी चलेंगे चार आदमी चलेंगे साथ में अभी गए नहीं है ना नहीं चल निकल गई जल्दी कल शहर मैहर में रहें कल पैदल जी जी पैदल जी कल रात में मैहर में रहें पैदल जी ऊपर जी पैदल निकले जी 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 कब निकली है कल निकली है 12 बजे अच्छा इस बात की शिकायत आपने सबसे की कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक कुछ जिला मकिहान जिला मसाब की हम कलेक्टर के पास की हम सिरमौर में की हम मुख्यमंत्री का की हम कहो सुनिस नहीं सेक्रेटरी का क्या नाम है उसका संदीप द्विवेदी वो बार बार वही पंचायत में जी जी 14 से है 2014 से इबरा में है वो हटाया नहीं हटाया नहीं गया हटाए निकालने के जो आदेश यहाँ से जारी है उसके क्या वो आदेश आपके पास है ऐसा ही मामला जो है उसी विधानसभा में ये दूसरा ही मामला है जो कि गांव से आते सरपंच से भी हैं और एससी से आते हैं अपने बारे में बताएं आप मैं ग्राम पंचायत सकरबट का सरपंच हूं जनता द्वारा चुना गया हूं अच्छी वोट से जीता हूं और प्रॉब्लम ये है कि अनुसूचित जाति का मैं हूं हरिजन हूं जिसके कारण वहां पे कोई भी काम सचिव द्वारा नहीं किया जा रहा है मतलब सचिव की व्यवस्था ही नहीं की जा रही है वो सचिव एक हैं चंद्रमण यादव जी पूर्व सरपंच राजभान यादव के साथ जा करके पर्सनल घर में बैठ करके काम करते हैं अगर मैं बुलाता हूँ लाडली लक्ष्मी बहना बहने योजना का ये सारा चल रहा था सिलेंडर वाला चल रहा था जिसके माध्यम से मैं लोगों को बुला देता था एक जगह की सार्वजनिक रूप से सबका काम कर दिया जाए टाइमिंग डाल देता था तो बोल देते थे कि आएंगे लेकिन जब उनको फ़ोन लगाता था जनता आकर के बैठी रहती थी और सेक्रेटरी ना आने के वजह से आईडी पासवर्ड उनके पास रहता था तो काम नहीं होता तो कई बार जनता लौट लौट करके चली जा रही थी इसकी जानकारी मैंने जिला सीओ को कई बार दिया 25-30 लोगों को लाया भी जनता का काम नहीं हुआ मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि पूरी तरह से 8 महीना से पंचायत का काम बंद है पूरी तरह से सेक्रेटरी के माध्यम से क्योंकि सेक्रेटरी हमारे यहाँ नहीं है जिसकी जानकारी मैंने जनपद सीओ को दिया जिला सीओ जी को दिया कई बार बोले लेकिन अब शब्द कह करके मेरे को भगा दिया जाता बोलते कि हमारे द्वारा यहाँ से कुछ भी नहीं होगा तुम कुछ भी कर लो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है मैं नौकरी में बैठा हूँ मेरे ऊपर दबाव आ रहा है इस तरीके से तो मैं 8 महीने से प्रताड़ित होकर के हरिजन 8 महीने से ग्राम सभा नहीं कर पाया कई सारे लोग आते हैं उनको शराब पिला करके वहाँ पे धमकी देते हैं मेरे को डांटते हैं फटकारते हैं ये कौन पंचायत का मामला है ग्राम पंचायत सकरवट का है रीवा जनपद है रीवा जनपद लगता है जनपद पंचायत हमारी रीवा है जिसकी जानकारी मैंने जनपद सीओ को भी दिया जिला सीओ को भी दिया अब पूरी तरह से मैं त्रस्त हो गया हूँ गांव की जनता मुझे परेशान करने लगी है कि कोई काम नहीं हो रहा है जिससे मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिख दिया है माननीय विधायक जी को भी मैंने सिमरिया विधायक अभय मिश्रा जी को मैंने लिख दिया है अब जिला सीओ को भी दिया मैंने कलेक्टर महोदय जी को भी दिया है अब अगर हमको सचिव की व्यवस्था नहीं की जाती है तो हम यहाँ से अब भोपाल के लिए भी निकलेंगे और भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे क्योंकि जनता द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है कि काम नहीं करा रहे हो क्योंकि जनता चुनी है तो काम तो करेंगे काम के लिए ही चुनी है अगर ये सारे कार्य नहीं होते सचिव की व्यवस्था नहीं होती है और मुझे डांटा फटकारा जाता है अधिकारियों द्वारा अगर मेरे ऊपर कुछ भी कार्यवाही होती है मेरे ऊपर कोई भी आत्मघाती होती है या कि विवश में मुझे कुछ करना पड़ता है जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी वह जिम्मेदार अधिकारियों की होगी ये जो समस्या जो हो रही है ये केवल ये 2 ग्राम पंचायतें सिमरिया विधानसभा से हैं इस प्रकार की मेरे जानकारी अनुसार 27 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिसमें छोटे कास्ट के लोग जो हैं वो लोग यहाँ पर सरपंच हैं पिछले लगभग 15-20 सालों से एक ही सेक्रेटरी एक ही जीआरएस और एक ही जो है वहाँ पर ये सब लोग सेट हैं और ये लगातार ये यहाँ पर हो क्यों रहा है ये इसलिए हो रहा है अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कुछ दिन पहले कि जिला पंचायत के जो सदस्य है सुंदरिया उसके साथ वो धरने में बैठी थी उसका काम लगातार नहीं हो रहा है ये सरपंच बैठे इनके साथ में हो गया वो बहुत प्रताड़ित हैं जो आपके जो जिला सीओ हैं
उनको तो सर मानी चाहिए इस बात के लिए कि जिस बात की तनख्वाह पाते, जिस बात के उनके बच्चे पलते हैं, और ये हमारे जो लोग बैठे हुए हैं जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, उस व्यक्ति को उनके द्वारा जो है उनका इनके अधिकार का हनन जो हो रहा है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और जिसकी बात की है संदीप द्विवेदी, ये संदीप द्विवेदी कौन जान लीजिए, ये संदीप द्विवेदी वही गुंडा है जिसने सीओ की आंख फोड़ी थी, ये वही गुंडा है जो लगातार जो है पूरे क्षेत्र में बता रहे हैं कि मैं गुंडा भी हूं शब्द बोलता है। इसकी नियुक्ति पूरी फर्जी नियुक्ति है जिसके बारे में उनको मालूम है, यहाँ पहले भी जो सीओ रहे हैं अभी भी सीओ हैं, अच्छा मोटा माल जो है उनको मिलता है। मैं प्रमोद शर्मा ये पूरे दावे के साथ ये कह रहा हूँ कि जिला पंचायत सीओ से मुलाकात जब ये लोग किए तो इनको तो तुरंत तत्काल, इनको छोटी सी बात है अगर उनको देख रहे पेपर दे दिए, सबको दे दिए, इसके लिए लगातार पत्राचार विधानसभा में सवाल भी उठे हैं, ये सिमरिया विधायक ने सवाल उठाए हैं, उसके बावजूद न करना इसलिए क्योंकि क्योंकि जो है किचन सेट के नाम से यहाँ बैठे हुए सीओ जो वर्तमान सीओ हैं इन्होंने करोड़ों का घोटाला किया हुआ है। और ऐसा नहीं सब जगह का इनका जो है एक सिंडिकेट है, हर जगह में सेक्रेटरी लूटते हैं पाटते हैं। और बड़ी बात यहाँ तक इनको ये भी पता है कि पंचायत के अंदर में जो भी इनकी ग्राम सभा होती है, जैसे इसने बोला ग्राम सभा नहीं हुई है, अभी पेपर हमने बताया इनके यहाँ पर लगातार ग्राम सभा होती, कैसे ग्राम सभा होती है जो कि सीओ को मालूम है, जिला पंच सीओ को, कि फर्जी ग्राम सभा हो रही है, 10 का भी हम लोग बता रहे हैं, पंच के पास हम जब जाते हैं जानकारी बोलते हैं कि ये जी हो रही है, उस पंच को पता नहीं है, फर्जी दस्तखत कर ले रहे हैं। तो यहाँ बैठे हुए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है जिला पंचायत सीओ की है, और ये पूरे क्षेत्र में सिंडिकेट है और लगातार गुंडागर्दी करा रहे हैं। इस बात को लेकर जब जिसको पैसा मिलता है तो सोचते हैं छोड़, इसलिए कुंवर साहब ने आपकी बात उठाई और हम लोग जो जानकारी मिली, जागरण ने एक खबर छापी थी, जागरण ने एक खबर छापी थी, सब खबर को जानकर हम लोग, आप लोगों ने मीडिया में दिया था उसको जानकर हम लोग आए, और अभी इस वक्त जो है ये जो पिपरा सरपंच जो महिला है वो यहाँ से जा चुकी है और 7 तारीख को वो जो है वहाँ पर आत्महत्या करेगी। पर इसका पूरा कारण जो है सिस्टम है, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं और जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला पंचायत सीओ की है। साथ में आश्चर्य तो सबसे बड़ा ये है कि आज रीवा जिले में कलेक्टर महिला, नगर निगम कमिश्नर महिला, एसडीएम महिला, इनकी जो एसडीएम है वो महिला, मतलब जिले में 5-6 आई जनपद सीओ महिला, 5-6 महिला अधिकारियों के बावजूद एक आदिवासी बहन महिला हमारी आत्मदाह करने जा रही है, तो लकड़ी लकड़ी की दुश्मन होने का प्रमाण है। अगर महिला महिला की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो इसका साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का शोषण होता है, महिला अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पाती है, और महिला जो आधी आबादी है उसका शोषण, उसके ऊपर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के राज में बढ़ा है।